हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम क्लास 10 हिंदी स्पर्स बुक के चैप्टर नंबर 3 बिहारी के दोहे, जिसके कवि है बिहारी, पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। तो बिहारी के दोहे का जो लेखक है, कवि है, वो खुद बिहारी जी है और उनका जन्म 1595 ग्वालियर में हुआ था और मृत्यु सन 1663 में हुआ था। ओके, तो देखते हैं हम अपना पाठ का परिचय। तो प्रस्तुत दोहे कवि कवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ बिहारी सतसई से लिए गए हैं। इनमें कवि ने भक्ति, नीति व श्रृंगार भाव का सुंदर मेल प्रस्तुत किया है। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के नीलमणि रूपी सांवले शरीर पर पीले वस्त्र रूपी धूप अत्यधिक शोभित हो रही है। दूसरे दोहे में कवि भयंकर गर्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन बन गया है, जहां सभी जानवर आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तीसरे दोहे में कवि गोपियों की श्री कृष्ण के साथ बात करने की उत्सुकता को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि गोपियां ने श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया है। चौथे दोहे में कवि नायक और नायिका द्वारा भीड़ में भी किस तरह आंखों की आंखों में बात की जाती है, इस बात का वर्णन करते हैं। पांचवें दोहे में कवि जून के महीने का भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस गर्मी इतनी बढ़ गई है कि छाया भी छाया ढूंढने के लिए घने जंगलों व घरों में छिप गई है। छठे दोहे में कवि कहते हैं कि नायिका नायक को संदेश भेजना चाहती है, परंतु अपनी विरह दशा का वर्णन कागज पर नहीं कर पा रही है, ना ही किसी को बता पा रही है। वह चाहती है कि नायक उसकी विरह दशा का अनुमान स्वयं लगाए। सातवें दोहे में कवि श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप चंद्रवंश में पैदा हुए हैं और स्वयं ब्रज आए हो। कवि श्री कृष्ण की तुलना अपने पिता से कर रहे हैं और कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सारे कष्ट नष्ट कर दो। अंतिम दोहे में कवि आडंबर से बचने वो ईश्वर की सच्ची भक्ति करने को कहते हैं और बताते हैं कि सच्ची भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब हम पहले दोहे, तीसरे दोहे ऐसे करके पढ़ेंगे और उसका व्याख्या विस्तार से समझेंगे। तो पहले काव्यांश है, सोवत ओढ़े पीतु पटु श्याम, सलोने गात मनो नीलमणि, सलय पढ़ आतपु परयो प्रभात। तो इसका व्याख्या है, मतलब यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होंगी। ओके, तो देखते हैं अपना दोहा नंबर 2। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतो तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाघ। तो यहाँ पे इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी तो वो लोग चल फिरने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए वो लोग एक स्थान पर मतलब एक जगह पर बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, हिरण और शेर जो कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं ना, मोर सांप हिरण शेर एक साथ बैठे हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है, जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष यानी आपसी मन मुटाव भुला कर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष को भुला कर एक साथ बैठे हैं। तो ये अच्छे से मैंने समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें बहुत सारी सपोर्ट मिलती है। ओके, तो अपना काव्यांश नंबर 3 देखते हैं, मतलब दोहा नंबर 3। बरसत लालच लाल की मुरली धड़ी लुकाई, सो कहे करे बहनो हसई दैन कहे नटी जाई। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है, ताकि वो जब श्री कृष्ण गोपियों से पूछेंगे कि बांसुरी कहाँ है तो उनसे बात कर सके। तो गोपियां कसम भी खाती है उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई, लेकिन बाद में भौंहें घुमाकर हंसने लगती है और बांसुरी देने से मना कर देती है। ओके, तो अपना दोहा नंबर 4 देखते हैं। कहत नटत रिजत झिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है ननु ही सब बात।
तो यहाँ पे पंक्ति में इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका मतलब एक्टर एंड एक्ट्रेस एक दूसरे की आंखों ही मतलब राजा और रानी भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं एक दूसरे की एक दूसरे से आंखें ही आंखों में बातचीत करते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है और कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है। कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है और जब उनकी आंखें फिर से मिलती है तो वे दोनों खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। तो कभी कहते हैं कि इस तरह वे भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को ज्ञात भी नहीं होता है। तो दुआ नंबर 5 देखते हैं। बैठी रही अति सघन बन बैठी सदन तन माह देखी दुपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह। तो यहाँ पे कभी कहते हैं कि जून महीने की गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, यानी कि हमारा जून महीने की इतनी गर्मी होती है, बेचैन इतनी बेचैनी होती है बॉडी में, तो वहां पे हमारा शैडो जो होता है जो शैडो होता है छाया वो भी जगह तलाश कर रही है जहां पे उसको भी छाया मिल सके। वह या तो किसी घने जंगल में मिलेगा या किसी घर के अंदर। तो अपना देखते हैं हम दोहा नंबर 6। कागज पर लिखत ना बनत कहत संदेशु लजात कही है सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि नायिका अपनी विरह की पीड़ा मतलब दूर रहने की पीड़ा को कागज पर नहीं लिख पा रही है और कह कर संदेश भेजने में उसे शर्म आ रही है। वह नायक से कहती है कि तुम अपने हृदय से पूछ लो मतलब तुम अपने दिल से पूछो मेरे दिल की बात जानता है अर्थात तुम मेरे विरह दशा में भली भांति परिचित होंगे। तो हम देखते हैं दोहा नंबर 7। प्रगट भय द्विज राज कुल सुबस बसे ब्रज आई मेरे हड़ौ कलेश सब केशव केशवराई। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण अपने चंद्र वंश में जन्म लिया है और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए। बिहारे जी के पिता का नाम केशव राय है और श्री कृष्ण का एक और नाम जो होता है वो केशव है, राइट। इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान है अतः मेरे सारे कष्टों का नाश कीजिए। तो यहाँ पे हमारा दोहा नंबर 7 भी खत्म होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोहा नंबर 8। जप माला छापे तिलक सरे न एको कामो मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामो। तो यहाँ पे पंक्ति में कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से ईश्वर नाम लिख लेने से तथा तिलक लग करने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास न हो तो उनकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। तो हमें मतलब दिखावटी के लिए ईश्वर की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। आपको अगर मन में विश्वास है तभी ईश्वर की पूजा करें। मतलब अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं मन में विश्वास नहीं है तो वो व्यर्थ होता है मतलब बिना काम का होता है। अगर आपके मन में विश्वास है और आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो भक्ति सच्ची में ईश्वर को सुनाई देती है। इसके विपरीत जो सच्चे मन में ईश्वर भक्ति करते हैं ईश्वर उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं, यानी कि जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं ईश्वर उनपे प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर बिहारी के दोहे चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय सी यू टेक केयर।